माननीय सोनल जी, जोशी जी, हमारी बहन मालिनी जी, शिवेंद्र जी, गिरिजेश जी, हेमंत जी, यहाँ सभी संगीत से जुड़े हुए लोग दिख रहे हैं और साहित्य से जुड़े हुए लोग दिख रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और प्रभात प्रकाशन को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की, इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस पुस्तक के विमोचन पे। तो पहले तो बहुत ही हार्दिक बधाई की है हमारे शिवेंद्र जी को, गिरिजेश जी को। हम भी करीब करीब 5 वर्षों से इनसे जुड़े हुए हैं रागगिरी से, और हमने यही देखा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या मतलब कि जर्नलिस्ट, वो संगीत की तरफ मुड़ना, तो ये बहुत बड़ी बात है कि संगीत से इनका जुड़ाव बहुत ही रहा है, और जिसके कारण, रागगिरी के कारण हमारा इनका बड़ा प्रेम है। और इनकी आज्ञा जब भी होती है तो मैं कैसे भी स्थिति में हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ सम्मिलित हूँ। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, ये पुस्तक आप सभी देखें, पढ़ें, जानें, और इसमें गिरिजेश जी का बहुत विशेष मेहनत है, जैसा कि इन्होंने कहा कि उसमें आरोह अवरोह पकड़ सब कुछ है। और शास्त्रीय संगीत को आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपने कानों पे करके अगर सुनना शुरू कर दें तो शास्त्रीय संगीत जो है वो बहुत लंबे देर तक उसका प्रभाव आपके ऊपर रहता है। आप पहले ही से थोड़ी बायस मेंटलिटी लेके जाते हैं कॉन्सर्ट सुनने की, अरे ये तो बड़ा वैसा होगा, पक्का राग होगा, करेंगे। संगीत जो है वो अंतर्नाद है, उसको, उस ध्वनि को सुनने के लिए आपको थोड़ी सी एकाग्रता बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा मौन में जाना होगा। आप अपने आप में कभी अपने ऊपर प्रयोग करें कि कभी खाली बैठ के मौन का ध्यान करें, आपको बहुत शांति सुकून मिलेगा। तो संगीत वो विधा है और ये ईश्वर की वाणी है, ये प्रकृति से लिया हुआ है, ये प्रकृति से सारे स्वर मिले हुए हैं, और उन स्वरों को अगर आप आभास करते हैं थोड़ा देर, 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन आप करिए, देखिए उसका असर आपके ऊपर पड़ता है कि नहीं। इवन आप एग्जाम देने जाएं, उसके पहले मैं ये नहीं कहता हूँ कि गायन सुन के जाएं, वादन जरूर सुने। पंडित शिवकुमार शर्मा जी हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, इंस्ट्रूमेंट से शुरू करिए, फिर वोकल पे आइए। वोकल थोड़ा सा भारी लगता है, और उससे आपका जब म्यूजिक से एसोसिएशन बन जाएगा तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, आपके पेपर अच्छे होंगे, आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा। रात में अगर आप शास्त्रीय संगीत सुन के सोते हैं तो सुबह आप बहुत ही फ्रेश उठेंगे, ये हमारा विश्वास है। और दूसरी बात यह है कि आप अपने बच्चों को जरूर उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें कि वो संगीत सीखें, क्योंकि हम लोगों का ये विश्वास है कि जो बच्चे संगीत से जुड़े रहेंगे वो कभी भी क्रिमिनल माइंडेड नहीं होंगे। आज तक ये बहुत बड़ी बात कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को आप कहीं भी, आप क्रिमिनल से कनेक्टिविटी उनकी नहीं है, और वो बस अपने आराधना में लगे रहते हैं। और हम लोग बहुत लकी हैं कि ऐसे हजारों वर्षों की परंपरा को आज जी रहे हैं, देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थी के रूप में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को कि ऐसी सोच इन्होंने आई इनके दिल में, दिमाग में, और उसमें बहुत बड़ा योगदान मैं भी जानता हूँ हेमंत जी का बहुत बड़ा रहता है, हमेशा ये बड़े भाई की तरह इन लोगों को सहयोग देते हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि वो लाइमलाइट में रहें, लेकिन मैं सब समझता हूँ, जानता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया।